वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। तो गाइस, बेसिकली मेरे एग्जाम्स हो रहे थे तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में गाइस हम लोग, तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि रॉकस्टार गेम ने लास्ट टाइम GTA ट्रिलॉजी गेम अपनी रिलीज की है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी उसको इंस्टॉल करने पर। तो वो बेसिकली गेम काफी अच्छी है और आज हम बेसिकली उस गेम को खेलेंगे और आप फिर लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये गेम कैसी। तो गाइस, आप में से काफी लोगों ने GTA San Andreas, White City और GTA 3 खेली तो होगी, लेकिन ये जो गेम है ये इनहेंस्ड ग्राफिक्स है, मतलब कि इसका डेफिनेटिव एडिशन रॉकस्टार ने लॉन्च किया है, तो जिसमें गाइस ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो तो अभी खेलने पे पता चलेगा कि कैसे हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके गाइस, आज जो हम गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 द डेफिनेटिव एडिशन। तो जल्दी से अभी हम खेलते हैं। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है, लिबर्टी सिटी बैंक, और यहाँ पे एक बंदा आ गया गाइस। तो गाइस, ये हमारा प्लेयर है क्लॉड, क्लॉड आया है और यहाँ पे रॉबर्स आ रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ओके, ये बैंक पे चोरी करके जा रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। और इसने क्लॉड को धोखा दे दिया और ये अकेले में मतलब कि सारा पैसा लेकर चली गई। और यहाँ पे पुलिस ने क्लॉड को पकड़ भी लिया है गाइस क्रिमिनल तौर पे, और ये प्रिजनर्स को लेकर जा रही है एक पुलिस, आप देख सकते हैं। और बारिश आप देख सकते, कितनी रियलिस्टिक लग रही है गाइस सच्चे में, ग्राफिक्स तो हाँ भाई बहुत अच्छे इम्प्रूव किए हैं इन्होंने। और ये कौन है, बारिश का यार आप देख सकते कितना रियलिस्टिक है, रैन कितनी रियलिस्टिक है, ग्राफिक्स में इन्होंने मतलब के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ा गाइस। और ये भी जा रहे हैं ब्रिज पे, और गाड़ी हमारा पीछा कर रही है पुलिस का, आई थिंक ये क्लॉड को बचाने आए हैं, यस आई थिंक गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल उसका पीछा कर रहे हैं। और ये जा रही पूरी प्रिजनर्स को लेकर कार, फिर से बता दूं गाइस रैन जो है ना वो काफी रियलिस्टिक है। और ये बॉम्ब, हाँ गाइस जो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। और ये देखिए गाइस, जो कार पीछा कर रही थी उसने बॉम्ब फेंका है। ओके ओके, तो ये क्लॉड को शायद बचाने आए हैं कुछ लोग या प्रिजनर्स को। ओके, प्रिजनर्स को बचाने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक ट्रैप कर लिया पुलिस को। आजा क्लॉड, तो क्लॉड हमारा निकल चुका है बाहर। फाइनली गाइस दोबारा से आजाद हो चुके हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट आप देख सकते हो गाइस, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और ब्रिज दो पीसेस में डिवाइड हो चुका है। ओह माय गॉड, इतना खतरनाक मतलब के ये मतलब के ब्लास्ट था, लगता है सब कुछ ही उड़ गया। आप देख सकते हो गाड़ियां जो पुलिस की थी वो सब कुछ ब्लास्ट हो चुका है, गार्ड्स वगैरह बचे हैं तो सिर्फ क्लॉड और उसका दोस्त। सो फाइनली गाइस हमें यहाँ पे क्लॉड को बचा लिया गया है और अभी हम गाइस एक लोकेशन पे जा रहे हैं, इसके फ्रेंड ने इसको बोला है कि वहां पे जाना है, तो जल्दी से गाइस चलते हैं। वैसे अगर आप देखें ग्राफिक्स बहुत आसम है यार, लग ही नहीं रहा कि ये GTA 3 है गाइस, क्योंकि जहां तक मुझे पता है GTA 3 के ग्राफिक्स ऐसे नहीं है। ये GTA 3 तो रॉकस्टार गेम्स की फर्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम थी और उसके ग्राफिक्स बहुत ही मतलब के बुरे हैं,
लेकिन इन्होंने देखो गाइस कितना कंप्रेस किया, और गाड़ी आगे से थोड़ी सी ठुक चुकी है, और ठुकने से देखिए आप कितना रिलेस्टिक है, देखिए कितना ये जो डेंट नजर आ रहा है कितना रिलेस्टिक लग रहा है। लेकिन अभी जल्दी से गाइस चलते हैं फटाफट से, बस पास ही है, आगे मुझे मैप में शो हो रहा है। एक चीज देखनी है, देखते हैं कि मैप वैसा है या फिर मैप में भी कुछ चेंजिंग आई है। गाइस मैप तो सेम ही है बट ग्राफिक्स पे बहुत जोर दिया गया है। फाइनली इस लोकेशन पे हम आ चुके हैं, तो कि गाइस यहाँ पे अभी हमें ये जो प्रिजनर्स वाला हमें क्लॉथ्स बनाए हुए हैं वो हमने चेंज करने हैं बेसिकली। और यहाँ पे गैराज भी हमें दे दिया गाइस, क्योंकि अभी हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, अभी एक और लोकेशन पे हमें जाना है। यहाँ पे हम क्लॉथ्स चेंज करने आए थे, तो गाइस यहाँ पे ना हमें रूल्स ब्रेक ही करने पड़ेंगे। जल्दी से चलते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं मुझे ना GT3 में ना सिर्फ यही बात अच्छी लगती है, जो ऊपर जो ट्रेन ब्रिज है ना काफी यूनिक लगता है मुझे लिबर्टी सिटी का। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन भी खेलूं तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस हमने ये गेम खेली तो है, बस हम ग्राफिक्स को देख रहे हैं गाइस, और फिर से खेलने में मजा भी आ रहा है गाइस, काफी अच्छा लग रहा है। लुगीज गर्ल्स, अगर आपको इस गेम के और भी मिशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। अभी हम गाइस गाड़ी में बैठने वाले हैं, और अभी हमने मिस्टी को पिक करना है। आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल ही मतलब के उसकी हालत खराब हो चुकी है गाड़ी की। गाइस सब पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ पे ना गाइस लगता है लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आती गाइस, या मुझे नहीं आ रही गाड़ी चलाना, मैं इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ इसलिए, या तो इनको नहीं चलानी आती। तो बेसिकली गाइस हम लोकेशन पे आ चुके हैं, और गाड़ी का मैंने मतलब के तबाह कर दिया बिल्कुल ही गाड़ी को। तो शायद यह है मिस्टी, तो अभी यहाँ पे इसको मिस्टी टू लुगी क्लब्स में हम इसको लेकर जाएंगे। लुगी क्लब कोई जगह है शायद, क्लब है शायद, तो वहाँ पे जाना है। जल्दी से चलते हैं गाइस, ओहो हम रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए, बातों ही बातों में हम रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं गाइस। काफी दिनों बाद खेल रहा हूँ इस गेम को, काफी अजीब लग रहा है। वैसे काफी इनहेंस इन्होंने किया है ग्राफिक्स को, तो कि गाइस मिशन पास हमें मिल चुकी है $1500। तो गाइस हमारा जो पहला मिशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और अभी यहाँ पे हमें आई थिंक घर भी मिल चुका है, अभी हम अपने घर जा रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं ना अभी बातों ही बातों में अपने घर का ना रास्ता भूल चुका हूँ, आई थिंक ये है, काफी अजीब जगह पे है ना गाइस। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने घर में, और ये यहाँ पे अपनी खड़ी करते हैं गैराज में कार। वैसे इस कार का भी कोई फायदा नहीं गाइस, कितनी खराब हो चुकी है, बट चलेगा गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, तो कि गाइस आज हम ना यहाँ पे लिबर्टी सिटी में घूमेंगे और ग्राफिक्स चेक करेंगे कि इस गेम के कैसे हैं। आप चलते हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, बाकी मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। इतने बुरे भी नहीं है। तो गाइस ये गेम काफी अच्छी है, और मुझे तो काफी अच्छी लगी, और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी अच्छे हैं, ना सिर्फ ग्राफिक्स हर चीज के टेक्सचर्स पे भी बहुत जोर दिया है, वो भी मुझे काफी अच्छे लगे हैं। आप लोगों को ये गेम कैसी लगी मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, और मुझे ये भी बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस गेम के और गेम प्ले चाहिए तो बता दो। अगर आप लोग GTA ट्रिलॉजी को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने PC में, तो उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी,
तो वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख लें, क्योंकि मैंने उसमें 100% मतलब के वर्किंग वे बताया है कि आप किस तरह GTA Trilogy को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मिशंस खेलेंगे GTA Trilogy के। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, लव यू ऑल।